స్టార్టప్ ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రధాని మోడీ రాహుల్ గాంధీపై పరోక్ష వ్యాఖ్యలు చేశారు. స్టార్టప్లను రాజకీయాలతో కలిపి మాట్లాడుతూ రాహుల్పై పంచలు పేల్చారు. రాజకీయాల్లోనూ చాలా మంది స్టార్టప్ కోసం ప్రయత్నిస్తారంటూ రాహుల్ని టార్గెట్ చేశారు. ఒకసారి లాంచ్ కాకుంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రయత్నాలు జరుగుతాయంటూ వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయ నేతలకు మీకు తేడా ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ప్రయోగం విఫలమైతే వేరే దారికి వెళ్తారని, కానీ రాజకీయ నేతలను మళ్ళీ మళ్ళీ లాంచ్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తారంటూ పరోక్షంగా రాహుల్పై విమర్శలు గుప్పించారు. स्टार्टअप लॉन्च तो बहुत लोग करते हैं और पॉलिटिक्स में तो ज्यादा और बार बार लॉन्च करना पड़ता है. आप में उनमें फर्क ये है कि आप लोग प्रयोगशील होते हैं. एक अगर लॉन्च नहीं हुआ तो तुरंत दूसरे पर चले जाते हैं. क्यों भाई, पीछे देर हो गई. जो आपकी टीम है जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में, उद्योग जगत, व्यापार जगत में कोई भी निर्णय होता है तो उसका संबंध सरकार से होता ही है. और जब सरकार से होता है तो फिर थोड़ा 5 साल का टाइम टेबल रहता है. धीरे धीरे पहुंच रही, इधर से शुरू हुई है. और इसलिए आमतौर पर जो व्यापारी मन होता है वो सोचता है यार चुनाव का वर्ष है, अभी रहने दो, एक बार चुनाव हो जाए, नई सरकार बनेगी तब देखेंगे. ऐसा ही होता है ना. लेकिन आप लोग, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं. इसका मतलब ये है कि आपको पता है अगले 5 साल क्या होने वाला है. और मैं समझता हूं आपके अंदर ये जो जीनियस चीज पड़ी है ना, वही स्टार्टअप को सफल बनाती होगी. यहां इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है. यहां यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं. और जैसे आप में जीनियस टैलेंट है, मेरे में भी ये है. और इसमें मैं पहचान सकता हूं, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे